महाराज की। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए से विघ्न अने, राम मंत्र मुझको दिया श्री रामदास गुरुदेव, परशुराम हृदय धरिया पाया आतम भेद। गुरु गोविंद की महरते रामा पड़ी पिछान, सब संतों के ऊपरे वारो मेरा प्राण, सब संतों के ऊपरे वारो मेरा प्राण। बोलो भक्तों उनके भगवान की जय। सभी हरि भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री भाव और प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करके बाप जी महाराज गुरु जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके मुद मंगलमय संत समाजू सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करके विराजमान आप सभी का यथा योग्य सम्मान करके राजस्थान की पावन धरा संतों की सूरों की और सतियों की भूमि मरुधर देश ऐसी पावन भूमि पर ब्यावर के पास रास गांव में श्री सीमेंट के इस पवित्र कॉलोनी में गणपति जी के चरणों में
तीन दिवसीय नरसिंह जी के मायरे की कथा प्रभु चरणों में चिंतन मनन करते हुए निवेदन करने की चेष्टा कर रहा हूं। भगवत कृपा हुई, गणेश चतुर्थी का पावन उत्सव, गणेश चतुर्थी से अनंत चौदस तक पूरे विश्व में गणपति उत्सव होता है, उसमें भी महाराष्ट्र में विशेष गणपति महोत्सव की महिमा भक्त लोग प्रभु चरणों में अर्पित करते हैं। घर में कोई एक दिन के लिए, कोई तीन दिन के लिए, कोई सात दिन के लिए, कोई पूरे चतुर्थी से अनंत चौदस तक गणपति जी को विराजमित करके गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं, गणपति जी का विसर्जन करते हैं, धूमधाम के साथ उत्सव होता है। भादवे के महीने में श्री सीमेंट के इस पावन गणपति मंदिर में इस पावन गणेश चतुर्थी के अवसर पर तीन दिवसीय भक्त चरित्र नरसिंह जी के मायरे की कथा, जो भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा को प्रकट करती है। ये कथा केवल कथा नहीं है, ये कथा हम सबको भगवान से जोड़ने वाली, हम सबको भगवान के सन्मुख करने वाली कथा है। जो इस मायरे की कथा को सुनता है, गाता है, सुनता है, वह जीव वैकुंठ का वास प्राप्त करता है। जो गावे सीके सुने वैकुंठरो वास। अर्थ होकर के कोई भी जीव परमात्मा को पुकारता है, देखो भगवान भक्तों की पुकार सुनते हैं। ये माहिरी की कथा, जिसको मामीरा भी बोलते हैं, भात भी बोलते हैं, माहिरा भी कहते हैं, जो सुनता है उस व्यक्ति को हजार गायों के दान का फल मिलता है। तीन दिन बैठ करके जो भक्ति भावना से मायरे की कथा सुनता है, खाती रत्नों यूं बने गौ सहस्त्र फल होए। भक्ति भावना के साथ जो भी इस भक्तों के चरित्र को सुनता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन में अच्छे सद्गुण मिलते हैं। और गंगा स्नान का पुण्य आपको यहीं श्री सीमेंट के सभागार में बैठकर कथा सुनने से मिल जाएगा। गंगा स्नान का जो पुण्य होता है, गंगा स्नान का जो महात्म्य होता है, वही फल आपको इस मायरे की कथा सुनने से मिलता है। सहज में यदि कोई जीव मुक्ति चाहता है, सहज में यदि कोई जीव बहुबंधन से मुक्त होना चाहता है, भक्ति भावना के साथ बैठकर माहिरे की कथा सुने। जो भक्ति भावना से माहिरे की कथा सुनता है, वह जीव कभी यमपुरी नहीं जाता। यमदूत उसकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखते। भक्ति उपजे भय मिटे सारा सरसी काज, नुकता सकल निभावसी सांवल सा महाराज। माहिरे की कथा सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है। किसी प्रकार का कोई भय है, डर है, तो इस प्रसंग को सुनने से
सब भय दूर होता है। कोई रुका हुआ काम है, मेहनत करने पर भी वो काम यदि सफल नहीं हो रहा है, आप भक्ति भावना से बैठ करके 3 दिन की मायरा की ये कथा सुने, भगवान आपके सब कार्य सफल करेंगे। ऐसी देखो मायरे की महिमा है। आप सभी हरिभक्तों के सद्भाव से देश के अलग अलग कोनों से आप कर्म क्षेत्र इस श्री सीमेंट के कारोबार में सेवा कर रहे हैं। आप सबकी सद्भावना से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर ये 3 दिवसीय नानी बाई के मायरे की कथा, जो कोतवल विरुद्ध भक्ति का प्रसंग है, जिस प्रसंग में प्रेम, प्रसन्नता, उत्साह, उमंग ये सब भाव बने रहते हैं। कोई भी शुभ कार्य करें तो सबसे पहले गुरु चरणों की वंदना करते हैं। प्रथम बंद श्री गुरु चरण। इस संसार में ज्ञान का प्रकाश करने वाले गुरु महाराज है। गु नाम अंधकार का है, रू उसके निवर्तक। जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश दें, वे सदगुरु है। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। क्योंकि इस संसार में जीव को भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाले गुरु महाराज है। संतों ने देखो गुरु महिमा गाई है। सतगुरु ने बलिहारी मारा, सतगुरु ने बलिहारी, सतगुरु ने बलिहारी मारा, सतगुरु ने बलिहारी। बंधन काट दिया निज मुक्ता, बंधन काट दिया निज मुक्ता, सारी विपत्ति निवारी मारा, सतगुरु ने बलिहारी मारा, सतगुरु ने बलिहारी। दया करी मेरा
आपके लिया उबारी। दया करी मेरा सतगुरु दाता आपके लिया उबारी। भव सागर से डूबत तारिया, भव सागर से डूबत तारिया, ऐसा पर उपकारी मारा सतगुरु ने बलिहारी। सतगुरु ने बलिहारी बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट किया जीव मुक्ता, हरी विपत्ति निवारी मारा सतगुरु ने बलिहारी मारा। सतगुरु ने बलिहारी ओ सतगुरु ने बलिहारी मारा। सतगुरु ने बलिहारी दादू के चरण कमल पर मैलू शीश उतारी। और ले क्या आगे राखूं, और ले क्या आगे राखूं, सुंदर भेंट तुम्हारी मारा सतगुरु ने बलिहारी मारा। सतगुरु ने बलिहारी जीव मुक्ता, हरी विपत्ति निवारी मारा सतगुरु ने बलिहारी मारा। सतगुरु ने बलिहारी ओ सतगुरु ने बलिहारी मारा। सतगुरु ने बलिहारी बोलिए सतगुरु दे प्रथम वंद श्री गुरुचरण, द्वितीय वंद सबसार, तृतीय वंद परब्रह्म, दो वाणी विमल अगार। गुरुचरणों की वंदना करके सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करके परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करके मैं ऐसी विनती कर रहा हूं, हे प्रभु आप मेरी वाणी में ऐसी शक्ति दें आज मैं भक्तों के साथ बैठकर भक्तों का चरित्र वर्णन करूं। भगत भगति भगवंत गति मोपे लखी न जाए, दीन दयाल दया करो दीजो मर्म बताए। भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा अनंत है। यदि सारे समुद्र के जल की मैं शय बना लूं, सारी धरती को यदि मैं कागज बना लूं, सारी वन औषधि को यदि मैं लेखनी बना लूं, भगवान और भगवान के भक्तों की यदि महिमा लिखने के लिए बैठूं तो मैं उसका अंत नहीं पा सकता। जिस पर भगवान या भगवान के भक्त कृपा करते हैं तब वे भगवान और भगवान की महिमा का मर्म कुछ जान सकते हैं। हे प्रभु, हे दयानिधि, आप ऐसी कृपा करें आज गणेश जी के चरणों में बैठकर मैं भक्तों की महिमा वर्णन कर। सर्वप्रथम मैं गणेश जी के चरणों में वंदना कर रहा हूं, गणपति जी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, विघ्न हरण मंगल करण। गणेश जी महाराज सब विघ्नों को दूर करने वाले मंगल प्रदाता, ऐसे गणपति जी महाराज को प्रणाम करके
भगवान के चरणों में प्रणाम करके ऐसी विनती कर रहा हूं, हे प्रभु आप आशीर्वाद दें। वाणी की शक्ति है सरस्वती माँ शारदा को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके, गुरु महाराज की आज्ञा लेकर नरसिंह जी की कथा जैसी मेरी मति है, जैसी मेरी बुद्धि है, आज गणेश जी के चरणों में बैठकर भक्तों का चरित्र वर्णन कर रहा हूं। ब्राह्मणों में एक वंश है नागर वंश। नागर कुल के लोग बड़ी पवित्रता रखते हैं। जूनागढ़ गुजरात में नरसिंह जी का नागर कुल में जन्म हुआ। जब जन्म हुआ सुनते भी नहीं है और बोलते भी नहीं है। छोटी अवस्था में ही देखो नरसिंह जी के माता पिता संसार छोड़ करके चले गए। नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी का पालन पोषण करती है, नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को बड़ा करती है। दादी माँ शंकर भगवान की भक्त है। जैसा पेड़ होता है वैसे ही फल लगते हैं। माता पिता के जो संस्कार होते हैं वे संस्कार देखो बालकों में आते हैं। दादी माँ भोलेनाथ की भक्त है, शिवजी के मंदिर में जाती है, पोते को साथ लेकर के जाती है। दादी पोता नित्य भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। आज शिवरात्रि के दिन दादी पोता दोनों भोले के दरबार में गए, शिवजी को जल चढ़ाकर जो ही मंदिर से बाहर आए, बाहर चबूतरी पर एक महात्मा जी बैठे हैं। दादी पोते ने जाकर संतों को प्रणाम किया। दादी कहने लगी, महाराज जी ये आपका पोता है, ये बोलता भी नहीं सुनता भी नहीं और इसके माता पिता भी नहीं। संत जी ने नरसिंह जी को गोद में बैठाया, बड़े प्यार से माथे पर वरदस्त रखा और बोला, बेटा बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बस इतना सा संत जी का कहना हुआ और नरसिंह जी की वाणी प्रकट हो गई। वो संत कोई साधारण संत नहीं, परमात्मा स्वयं संत के रूप में आए और देखो नरसिंह जी की वाणी प्रकट की। दादी माँ की कृपा से देखो माँ नरसिंह जी भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, विष्णु भगवान की भक्ति उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सुनी। भोले की कृपा से घर में देखो गोधन वृषभ विभव अति भारी, घर में गायें बैल रथ हाथी घोड़े नौकर चाकर पालकिए। जिस घर के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा है उस घर में इन वस्तुओं की क्या कमी। बड़ा व्यापार है, जांजे चलती है, जा जा चले दिशा वर जावे, बड़ा व्यापार है। जहाजों से इस देश का सामान दूसरे देश में भेजना, दूसरे देश से जहाज भर करके यहां सामान लाना। उन दिनों नरसिंह जी महाराज अरबपति कहलाते थे। एक काम और करते हैं गिरवी का, किसी को पैसे चाहिए तो अपने आभूषण रखो और पैसे ले जाओ, गिरवी का काम। घर में खूब रिद्धि सिद्धि है, इतना धन खर्च करने पर भी खत्म नहीं होता। नरसिंह जी के परिवार में आगे जितने भी लोग हुए वे सब ऊंची महिमा वाले, जिनकी जगत में बड़ी कीर्ति थी, दुनिया में जिनकी बड़ी सुंदर शोभा थी। परिवार वालों ने जब नरसिंह जी का विवाह किया, उस जमाने में नरसिंह जी के विवाह में 4 लाख खर्च हुए।
लोगों ने बड़ी शोभा की, क्या सुंदर विवाह किया। वो समय था भाई, धन कहाँ था, माथे का पसीना पैरों तक पहुंचता तब कहीं पैसे इकट्ठे होते थे, और आज के युग में तो देखो पैसे की कीमत ही नहीं है, चलते ही 2000 का नोट सामने करेंगे। भगवत कृपा हुई, नरसी जी के घर में पहली संतान लड़का, लड़के का जन्म हुआ, लड़के का नाम रखा संवत। दूसरी संतान लड़की, लड़की का नाम था कंवरी। छोटी को ननी बोलते हैं मारवाड़ में, छोटी को ननी बोलते हैं, ननी ननी, तो उसको ननी भाई कहने लगे। फिर देखो परमात्मा की लीला, संयोग वियोग संसार का खेल है। नरसिंह जी की स्त्री संसार छोड़कर के चली गई। 32 वर्ष की अवस्था में नरसिंह जी का दूसरा विवाह हुआ, लेकिन उस स्त्री से नरसिंह जी के कोई संतान नहीं हुए। नरसिंह जी महाराज जब बेटे का विवाह करते हैं, भगवान नारायणी सेना लेकर के आए और नरसिंह जी के बेटे का विवाह करा करके लाए। फिर देखो परमात्मा की लीला, देखो नरसिंह जी का बेटा भी संसार छोड़ करके चला गया। नरसिंह जी महाराज ने अपनी बेटी ननी भाई का विवाह नगर अंजार किया, धूमधाम के साथ बारात आई, और नरसिंह जी ने अपनी बेटी के विवाह में 2,00,000 रुपये खर्च किए। बड़ी दुनिया में शोभा हुई। उभय लक्षता समय लगाए, दुनिया में इतनी शोभा हुई। देखो क्या नरसिंह जी ने अपनी बेटी का विवाह किया। नरसिंह जी के घर में अपार धन है, खर्च करने से भी वो खत्म नहीं होता है। नरसिंह जी घर में आए हुए अतिथियों की सेवा करते हैं। देखो जिस घर में अतिथि का सम्मान होता है, आया ने आदर दे वस्ती जिण घर जाए, जिस घर में भूखे को भोजन मिलता है, प्यासे व्यक्ति को जल मिलता है, वही घर है। यदि घर में अतिथि सत्कार नहीं है, यदि घर में द्वारा धर्म नहीं है, वो घर शमशान तुल्य बताया जाता है। नरसिंह जी के घर में देखो सदाव्रत चलता है, भूखों को भोजन मिलता है, साधु संतों की मंडलियां आती है। आज नरसिंह जी के घर में देखो संतों की मंडली आई, आज नरसिंह जी के घर में संतों ने भोजन प्रसाद लिया है और घर में कथा कीर्तन हुआ। नरसिंह जी महाराज ध्यान लगा करके आज संतों के चरणों में बैठकर देखो कृष्ण भक्ति के पद सुनते हैं। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया जय हो, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हरि बोल। श्याम ने सी बंसी बजाई, गोप गोपिया तोड़ी आई, गोप गोपिया
नाचूं यमुना तीर दुनिया क्या जाने। मैं तो नाचूं नाचूं यमुना तीर दुनिया क्या जाने। मैं तो नाचूं यमुना तीर दुनिया क्या जाने। भाव से दोनों हाथ ऊपर श्री राधे। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग जय हो दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। श्याम को मैंने जाना छूटा जग में आना जाना। छूटा जग में आना जाना। ऐसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। ये ऐसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। ऐसी ऐसी ये ऐसी पागल प्रीत पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। श्री राधे। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। तब तो हो गई मैं बावरिया। तब तो हो गई मैं बावरिया। थोड़ी जग की प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ मैंने थोड़ी जग की प्रीत दुनिया क्या जाने। मैंने थोड़ी थोड़ी कहो की प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया जय हो। अरे मिल गया। अरे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। लोक लाज दीनी विसरानी। लोक लाज दीनी विसरानी। रूप रा
रूप राशि अंग अंग समानी तेरत हेरत रहूं बिरानी खुशी के की दुनिया क्या जाने मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने से दोनों हाथ ऊपर गाऊं मैं तो गाऊं ओ मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया जय हो मिल गया मिल गया मिल गया मन का जय हो दुनिया क्या जाने ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने के भगवान की जय कथा कीर्तन हरजस की ना आज देखो नरसिंह जी के घर में संत लोग कृष्ण भक्ति के भजन सुना रहे हैं। नरसिंह जी ने ध्यान लगा करके कृष्ण भक्ति के हरजस सुने आज देखो नरसिंह जी का हृदय परिवर्तित हुआ। कृष्ण भक्ति दृढ़ भई सहाय संतों की कृपा हुई नरसिंह जी के हृदय में देखो कृष्ण भक्ति जागृत हो गई। लहर उठी वैराग की कर्म भये चकचू विषय कामना सब मिटी भगे मोह सब दूर। संसार से देखो नरसिंह जी को वैराग्य हो गया अब घर परिवार में नहीं रहना। 12 महीनों में सारी घर की पूंजी लुटाई चल अचल जो संपत्ति थी सब बेच दी संतों को पुंगत करवाई। नरसिंह जी ने देखो भक्त का वेश धारण किया है व्यापार बंद कर दिया। नरसिंह जी महाराज हाथ में करतालें ले लेते हैं माथे पर टोपी शरीर पर लंगोटी किसी प्रकार का दंभ नहीं किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं दंभ रहित हर हर भजे। नरसिंह जी महाराज संत का वेश धारण करके देखो भोले की भक्ति करते हैं। भक्ति में दिखावा काम में नहीं आता है। नरसिंह जी महाराज निष्काम भाव से निष्कपट बुद्धि से देखो भोले की भक्ति करते हैं। मैं शिव ही शिव को ध्याऊं जल सो स्नान कराऊं मैं शिव ही शिव को ध्याऊं जल सो स्नान कराऊं मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं गड़ गड़ गाल बजाऊं या ते हड़ हड़ नाथ हसाऊं मैं सूरत ध्यान लगाऊं ते केला पत्र चढ़ाऊं मैं सूरत ध्यान लगाऊं ते केला पत्र चढ़ाऊं मैं जल धारा बरसाऊं मैं अगड़ बम्ब मुख गाऊं मैं जल धारा बरसाऊं मैं अगड़ बम्ब मुख गाऊं अगड़ बम्ब
राधे डमरू हो नाचे सदा शिव बाण घुंघरू पगड़वम राधे डमरू हो नाचे सदा शिव बाण घुंघरू ओ अगड़बम बाजे डमरू शिव माने करो शिव ही शिव को ध्याऊं जल सो स्नान कराऊं मैं शिव ही शिव को ध्याऊं जल सो स्नान कराऊं मैं तो जल धारा बरसाऊं मैं अगड़ बंब मुक जाऊं मैं जल धारा बरसाऊं मैं अगड़ बंब मुक गाऊं सन्न भये शिव राजा वर मांगो सारू काजा नरसी जी बोले कि भक्ति करते हैं भगवान शिव आशुतोष है आज देवाधिदेव महादेव नरसी जी के सामने प्रकट हो गए बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय ओ काज सुधारे जा भोले काज सुधारे भोले भक्तों के जी भोले रखवारे मतवारे रखवारे मतवारे बमम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर शिव जी घट घट के अंदर शिव जी घट घट के अंदर ओ काज संवारे महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली खाली न लोटा कोई सवाली खाली न लोटा कोई सवाली जो भी मांगा तूने दे दिया रखवारे मतवारे बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर शिव जी घट घट के अंदर जा भोले भाव से दोनों हाथ ऊपर रावण को भोले लंका दी है रावण को भोले लंका दी है भागीरथ को भोले गंगा दी है भागीरथ को भोले गंगा दी है गंगा देकर कुल को तार दिया जी भोले रखवारे मतवारे बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर शिव जी घट घट के अंदर ओ काज सवारे Thank you.
बस मासुर को भोले वर दे दीना, बस मासुर को भोले वर दे दीना, भोले तेरा पीछा कीन्हा, भोले तेरा पीछा कीन्हा, बस मासुर को, बस मासुर को, बस मासुर को तार दिया जी बोले रखवारे मतवारे, रखवारे मतवारे, बम बम बोले शंकर गले में राग भयंकर, शिव जी घट घट के अंदर, ओ काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे भोले भक्तों के जी बोले रखवारे मतवारे, रखवारे मतवारे, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, शिव जी कट कट के अंदर, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, शिव जी कट कट के अंदर, शिव जी कट कट के अंदर। बोलिए देवाधिदेव महादेव को, शिवजी नरसिंह जी की भक्ति से प्रसन्न, देवाधिदेव महादेव नरसिंह जी के सामने देखो प्रकट हो गए। नरसिंह जी देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करते हैं। शिवजी कहने लगे, बोलो भक्त आपको आपको क्या चाहिए। नरसिंह जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, देवाधिदेव भोले मुकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए, मुकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए, धन नरसी बुद्धि तिहारी, वर मांगियो अति भारी, धन नरसी बुद्धि तिहारी, वर मांगियो अति भारी। आपको क्या चाहिए। नरसिंह जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, देवाधिदेव मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे राधा कृष्ण भगवान से मिला दो। शिव जी कहने लगे, वाह भक्त, दुनिया में कई भक्त मिले, कोई कहता है फैक्ट्री दो, कोई कहता है बंगला दो, कोई कहता है पोता दो, कोई कहता है दुकान दो। देखो ये ब्यावर में कहां से आया भाई। नरसिंह जी कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे राधा कृष्ण भगवान से मिला दो। आज देवाधिदेव भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए। महादेव जी बोले, चलो नरसिंह जी हमारे साथ चलो। आज देवाधिदेव भोलेनाथ नरसिंह जी को लेकर के गोलोक धाम जाते हैं। गोलोक धाम में भगवान का नित रास विहार होता है। ऐसी उस रास भूमि में जाकर के जा पहुंचे गौलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है, जा पहुंचे गौलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है, माई घुंघरू गमक बजावे, प्रेम मगन गुण गायो है, माई घुंघरू बजावे, प्रेम मगन गुण गायो है, ताल मृदंग संग धुनि सोवे, झालर वीण बजायो है, ताल मृदंग संग धुनि सोवे, झालर वीण बजायो है। गोलोक धाम में शिवजी के साथ देखो नरसिंह जी पहुंचे। देवताओं के बीच में जाकर करताल लेकर नाचने लगे। सब देवता चित्र की भांति देख रहे हैं, ये देवताओं में मनुष्य कौन आ गया। आज भगवान शिवजी से पूछ रहे हैं, ये कौन है। महादेव जी कहने लगे, प्रभु ये आपके भक्त
जूनागढ़ से नरसिंह जी आए हैं। आज भगवान ने नरसिंह जी को हृदय से लगाया, प्रभु इतने प्रसन्न हुए, नरसिंह जी को आज प्रभु केदारा राग दे रहे हैं। रीजे हरि दियो केदारो नागरिये जस गायो है। भगवान ने कहा मेरी कभी भी जरूरत पड़े आप ये केदारा राग गाना। इस तरह देखो भगवान के और नरसिंह जी का आपस में ये पहला परिचय। आपस में आदत पड़ी पक्की भई पिछाण। भगवान कह रहे हैं मैं द्वारका में रहता हूं, कभी चिट्ठी देना। देखो आगे दूर का मिलन चिट्ठी से होता था, आज देवादिदेव महादेव नरसिंह जी को लेकर पुणे जूनागढ़ गुजरात चले जाते हैं। नरसिंह जी को जूनागढ़ गुजरात में छोड़कर देवादिदेव महादेव तो कैलाश गए। अब नरसिंह जी देखो घर में भगवान की भक्ति में लगे हैं। देखो यहां शिक्षा है, भक्ति के लिए कोई घर और वन का कारण नहीं है। आप जहां हैं, जिस जगह हैं, जिस देश काल परिस्थिति में हैं, वहां रहते हुए आप अपना कल्याण कर सकते हैं। घर और वन का कोई कारण नहीं। देखो नरसिंह जी घर में भक्ति कर रहे हैं। प्रथम ले हुंडी लिखी, क्या हुआ संतों ने कहीं चातुर्मास किया तो लोगों ने साधु संतों को भेंट पूजा अर्पित की। ये दुनिया के लोग साधु संतों को भेंट पूजा क्यों देते हैं? ये साधु संत किसी तीर्थ में जाएंगे, दान पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो हमारे धन का शुद्धिकरण हो जाएगा। संतों के पास 700 रुपये इकट्ठे हो गए। नरसिंह जी ने भी आज संतों ने विचार किया, द्वारका में जाकर भंडारा करेंगे। अब जैसे ही द्वारका जाने का विचार किया, एकाएक विचार आया रास्ते में चोर डाकू लूट लेंगे, धन खोस लेंगे, नगरी में कोई बड़े सेठ हों उनको ये 700 रुपये दे करके हुंडी लिखवा लेते हैं। आज वो संत 700 रुपये लेकर के जूनागढ़ पहुंचे हैं। राम राम यो मारो कृष्ण कन्हैयो, राम राम यो मारो कृष्ण कन्हैयो, सिकारे मारो सावरियो नट नागरियो, साधु आया रमता चा, साधु आया रमता चा, हरी मसकरी भेजा द्वार, हरी मसकरी भेजा द्वार, सभी बोले यो नरनार, सभी बोले यो नरनार, इन तो नगरी में नरसी नागरियो, हो सवरा सीना करियो मारो सावरियो, राम रामयो मारो कृष्ण कन्हैयो, राम रामयो मारो कृष्ण कन्हैयो, हुंडी स्वीकारे मारो सावरियो, हुंडी स्वीकारे मारो सावरियो नट नागरियो, गढ़रा बाणिया मन देवे नहीं पाणिया, मन देवे नहीं पाणिया, साधु साचा जानिया, साधु साचा जानिया, पूरी दे सारो नरसी आड़तियो, ओ सवरा दूर दे सारो नरसी आड़तियो मारो सावरियो, राम रामयो मारो कृष्ण कन्हैयो, ओ राम
कन्हैयो। संत लोग जूनागढ़ पहुंचे और पूछा, यहाँ कोई बड़े सेठ हैं क्या? वो मस्करे लोग बैठे थे, संतों को देख करके नरसी जी का घर बता दिया। जैसे ही संत नरसी जी के घर में पहुंचे, आज नरसी जी देखो इतने प्रसन्न हुए, भाग ज्यारे संत पावना आवे। चौका भाग हुए संतों रो घर में शुभागमन हुए। आज देखो संतों को देखकर नरसी जी ने संतों की अगवनी की। एक संत विचार करते हैं, लोगों ने कहा ये सेठ है, ये कैसे सेठ, ये तो हमारे जैसे ही दिखते हैं, माथे पर टोपी, शरीर पर लंगोटी। संतों ने सोचा सेठ भी कई तरह के होते हैं, कोई धोती वाले, कोई टोपी वाले, हैं? साधु तो सुलटी विचारे, उल्टी विचारे सो अंधा, एक ही खेत में निभजे खरबूजा और कांदा। वही खेत जिसमें प्याज उगता है, वही खेत जिसमें खरबूजे भी लगते हैं। संतों ने सोचा ये भी कोई सेठ होंगे। संत कहने लगे, सेठ जी हमारे पास 700 रुपये इकट्ठे हो गए हैं, हम लोग द्वारका जा रहे हैं, वहां भंडारा इत्यादि करेंगे, आप ये 700 रुपये ले लो और द्वारका की हुंडी लिख दो। नरसी जी ने विचार किया, अभी भगवान से नई जान पहचान हुई है, 700 रुपये ले लिए और भगवान के नाम की हुंडी लिखी। सांवल से जय गोपाल, मैंने संतों से 700 रुपये लिए हैं, जब संत द्वारका पहुंचे आप इनको 700 रुपये दे देना। नीचे हस्ताक्षर किए, आपका भक्त नरसी। अब वो चिट्ठी संतों को दे दी, संत उस चिट्ठी को पोथी में रखकर अब देखो रामत करते हुए द्वारका जा रहे हैं। मारू बेड़ो लगा दीजो पार द्वारकारा नाथ जी, मारू बेड़ो लगा दीजो पार द्वारकारा नाथ जी। नाथ जी श्री नाथ जी, ओ नाथ जी श्री नाथ जी, हो मारो बेड़ो लगा दीजो पार द्वारकारा नाथ जी। चौकी पूवे के अश्वार द्वारकारा नाथ जी, उतरी ध्वजा फरु के अश्वार द्वारकारा नाथ जी। मारो बेड़ो लगा दीजो पार द्वारकारा नाथ जी, मारो बेड़ो लगा दीजो पार द्वारकारा नाथ जी। भक्तारी भीड़ अपार द्वारकारा नाथ जी। राजा रण छोड़ भजो राजा रण, राजा रण छोड़ भजो राजा रण छोड़, द्वारकारो नाथ भजो राजा रण, द्वारकारो नाथ भजो राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भजो राजा।
राजा रण छोड़, राजा रण छोड़ भजो राजा रण छोड़। आज तक वो संत लोग रामत करते हुए द्वारका पहुंचे हैं। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। संतों ने विचार किया, पहले अपने वो चिट्ठी दे करके पैसे ले लेते हैं। बीस बाजार में जाकर एक सेठ जी को कहा, यहाँ संवल सेठ, यहाँ संवल नाम का कोई आदमी नहीं। संतों ने सोचा इनको पता नहीं होगा। दूसरी दुकान पर जाकर के पूछा, यहाँ संवल सेठ, कि यहाँ किसी जात में संवल नाम का आदमी है ही नहीं। संतों को तो इतनी परेशानी हुई, रुपये 700 ले लिए और देखो बिल्कुल झूठी उंडी लिख दी। संत कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। एक भाई ने पूछा, आप में क्या बीती? तो संतों ने आप बीती बताई। संत पूछने लगे, आपके यदि कोई ऐसे पैसे ले ले तो क्या करते हो? बीस बाजार में उसकी एक उंडी की इज्जत कर देते हैं, आगे से वो किसी के ऐसे रुपये नहीं ले। आप 700 रुपये देकर के आए हो, वापिस जाओ, कुछ तो आपको मिलेगा। मारवाड़ी में कहावत है, जावता जोगिरी जटा तो हाथ लागी। संत वापिस रवाना हो गए। द्वारका से बाहर निकले, एक तालाब आ गया। संतों ने विचार किया, यही स्नान कर लेते हैं, यही पाठ पूजा कर लेते हैं, भोजन प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगा करके फिर हम लोग आगे चलेंगे। संत वहीं तालाब के किनारे पाठ पूजा कर रहे हैं। इधर नरसिंह जी ने जूनागढ़ में विचार किया, संत द्वारका पहुंच गए होंगे। नरसिंह जी ने भगवान से करुणा की, हे प्रभु, मारी हुंडी शिकारो महाराज रे सामरा गिरधारी, 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 चंदन मारे तुलसी सोने रो हार, साचो गहणो राम जी मारे दौलत से जांज करता, मारे दौलत से जांज करता रे सामरा गिरधारी, दौलत से जांज करता रे सामरा गिरधारी, बांध पगारे घुंघरू हाथ लिवी करताल, नरसी जी रे आंखी आंसू निकली आंसू डारी, आंसू निकली आंसू डारी दार रे सांवरा गिरधारी, निकली आंसू डारी दार रे सांवरा गिरधारी, श्री राम गरीब नवाज हो पत के पालनहार, पतरा की प्रहलाद की गज की सुनी पुकार, ते तो गज की सुनी पुकार रे सांवरा गिरधारी, तो गज की सुनी पुकार रे सांवरा गिरधारी, गज की सुनी पुकार आप हरि पैदल आयो, गज को लियो गुबार ग्रह को मार गिरायो, ते तो ग्राह को मार गिरायो रे सांवरा गिरधारी, ते तो ग्राह को मार गिरायो रे सांवरा गिरधारी, क्षीर सागर में पोडियो जगरो पालनहार, नरसी तणी आवाजरी कान पड़ी झंका, आ तो कान पड़ी झनकार रे सांवरा गिरधारी, आ तो
कान पड़ी झड़कार रे सावरा गुरदारी। बांध कसुमल पागड़ी कलम कान में घाल, भक्तारी पतरा कवा दौड़ चलियो नंदलाल। यो तो दौड़ चलियो नंदलाल रे सावरा गिरदारी, दौड़ चलियो नंदलाल रे सावरा गिरदारी। केसरियो पेचो बांधियो जाने चमके धू, साधुड़ा दंग रह गया देख सावल सारो रूप। ओवे तो देख सावल सारो रूप रे सावरा गिरदारी, मारी धुंदी शिकारो महाराज रे सावरा गिरदारी। ओ मारी धुंदी शिकारो महाराज रे सावरा गिरदारी, सही। नरसिंह जी ने पुकार की, भगवान क्या लीला करते हैं, जिस तालाब के किनारे संत लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उसी मार्ग से भगवान रथ लेकर के आए हैं। जैसे ही एक संत जी ने देखा, ओहो ये कौन आ रहे हैं, सामने जाकर के पूछा, आप? भगवान बोले, मैं सांवल सेठ आपको ही खोज रहे थे। वो चिट्ठी ला करके संत जी ने भगवान को दी। भगवान ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, सांवल से जय गोपाल, मैंने संतों से 700 रुपये लिए हैं, संत द्वारका पहुंचे तब इनको 700 रुपये दे देना, नीचे हस्ताक्षर है आपका नरसी। भगवान ने उस चिट्ठी को माथे से लगाया, आंखों से लगाया, हृदय से लगाया। भगवान कहने लगे, आपको कष्ट हुआ, मैं आपको द्वारका में मिला नहीं, आप मेरी ये शिकायत नरसिंह जी से मत करें। भगवान ने कुबेर जी से कहा, 700 रुपये की थैली संतों को पकड़ाई और संतों को कंबलें ओढ़ाई, सुंदर सुंदर वो कंबल ओढ़ाई। संत विचार करने लगे, सेठ तो हमारे जैसा था लेकिन मुनीम जोरदार निकला। भगवान बोले, द्वारका चलो? कि नहीं नहीं, हमने नरसिंह जी को मुंह से बुरे बुरे बोल बोल दिए, हम जाकर नरसिंह जी से क्षमा मांगेंगे। अब विचार करो, भगवान की मर्जी के बिना कोई भगवान के साथ जा सकता है क्या? ये हमारे संत सुनाते हैं, आपकी मर्जी के बिना आपकी गाड़ी में कोई नहीं बैठ सकता, आपकी मर्जी के बिना आपके घर में कोई नहीं आ सकता, तो बताओ भगवान की मर्जी के बिना कोई सत्संग में आ सकता है क्या? जिस पर भगवान की कृपा है वो देखो सत्संग में आते हैं, वो भगवान के मंदिर में आते हैं। नहीं तो भाई कोई नाच गान में मगन है, कोई खान पान में मगन है, कोई देखने में मगन है, लेकिन जिन पर प्रभु की कृपा है वो देखो मंदिर में दर्शन करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। प्रथम ले हुंडी लिखी सो प्रभु दीन शिकार, रानी होकर पानी पायो दियो गले को हार। अब दुनिया में देखो नरसिंह जी की महिमा हुई, भजन करे पाताल में प्रगट होई आकाश, दावी दूबी ना रहे कस्तूरी की वास। दुनिया में देखो नरसिंह जी की ख्याति हुई, लोग कहने लगे नरसिंह जी महाराज है। एक आदमी ने जूनागढ़ के राजा मंडलिक को जाकर के बहकाया, आप तो राजा कहलाते हो और नरसिंह जी आजकल दुनिया में महाराज कहला रहे हैं। बड़े आदमी कानों के कच्चे, नरसिंह जी को बुलाया और कहा, यदि तुम्हारे भगवान हैं तो 20 सभा में
कल आपको अपने गले की माला पहनाएंगे। और यदि आपके भगवान ने आपके गले में यदि माला नहीं पहनाई तो कल इसी सभा में आपको सूली की सजा होगी। नरसिंह जी को बैठाया, चारों तरफ सैनिकों का पहरा लगवा दिया, कोई आकर के नरसिंह जी को मिले नहीं। नरसिंह जी ने रात भर कीर्तन भजन किया, किसी ने लाकर के नरसिंह जी को जल भी नहीं पिलाया, कंठ सूखने लगे। नरसिंह जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार, मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। कई भाई बहन तो प्रेम से बोल रहे हैं और कई भाई बहन चुपचाप बैठे बैठे देख रहे हैं, क्यों? बोलने का काम तो महाराज को सौंपा हुआ है, जोधपुर से आए हैं। भाव और प्रेम से सभी लोग बोलेंगे, मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे देखो संख्या भाई लोगों की भी कोई कम नहीं है, लेकिन आवाज मातृशक्ति की आ रही है। माताएं बहने आप मत बोलना, आज भाई लोग बोलेंगे। सब तैयार हो? मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। वाह क्या बात है। अब आप मत बोलना, माताएं बहने बोलेगी। माताएं बहने तैयार हो? मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। भाई लोगों से निवेदन है, सुन लिया? एक मौका भाई लोगों को और। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। अब कौन ज्यादा है कौन कम है घर जाकर के निर्णय कर लेना। सभी भाव और प्रेम से बोलो, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। बहुत गुना जीवन में किए, अमृत छोड़ और जहर पिए, अमृत छोड़ और जहर पिए। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। प्रार्थना है सच्चे हृदय से, एक बार प्रभु से प्रार्थना करें। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। सच्चे हृदय से एक बार कह दो, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। मैं जन्म जन्म से तेरा हूँ, जन्म जन्म से तेरा हूँ।
दर्शन दो एक बार, तू मुझे दर्शन दो एक बार, हरी आ जाओ हरी आ जाओ, ओ हरी आ जाओ हरी आ जाओ, मेरा छोटा सा परिवार, हरी आ जाओ एक बार, ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरी आ जाओ एक बार, मोहन तेरी आई है, इस याद को अमर बना जाओ, इस याद को अमर बना जाओ, मेरा सपना करो साकार, मेरा सपना करो साकार, हरी आ जाओ हरी आ जाओ, ओ हरी आ जाओ हरी आ जाओ, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरे चरण कमल में ध्यान रहे, तेरे चरण कमल में ध्यान रहे, प्रभु ऐसी लगन लगा जाओ, प्रभु ऐसी लगन लगा जाओ, मैं याद करूं आ जाओ, मैं याद करो तुम आ जाओ, मेरा बेड़ा कर दो पार, मेरा बेड़ा कर दो पार, हरी आ जाओ हरी आ जाओ, ओ हरी आ जाओ हरी आ जाओ, मेरा छोटा सा परिवार, हरी आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, आ जाओ एक बार। रात भर देखो नरसी जी कीर्तन भजन करते रहे, कंठ सूख रहा है, किसी ने जल पिलाया नहीं, सुबह हुई सब लोग आज कौतुक देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये नरसी जी महाराज कहलाते हैं, या तो इनके भगवान आज इनको बड़ी सभा में माला पहनाएंगे, नहीं तो मंडलिक राजा आज नरसिंह जी को सूली की सजा देंगे। लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, राजा मंडलिक आकर के सभा में सिंहासन पर विराजित, उसी समय नरसिंह जी को याद आया, जब मैं भोलेनाथ के साथ गोलोक धाम गया था, भगवान ने मुझे केदारा राग दी, नरसी मेरी कभी जरूरत पड़े केदारा राग गाना, जो ही नरसी जी ने वो केदारा राग गाई, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम, पानी पी कर प्यास बुझाऊं
चरण लो गहन श्याम। जैसे ही नरसिंह जी ने वो केदारा राग गाई और भगवान ने क्या लीला की, रानी जी का रूप धारण करके बड़ी सभा में भगवान देखो नरसिंह जी के पास पहुंचे। पहले तो अपने हाथ से नरसिंह जी को गिलास से जल पिलाया, फिर भगवान ने वो गले की माला नरसिंह जी के गले में पहना दी और भगवान वो खाली गिलास लेकर रानी जी बने हुए वापस महल में चले गए। रानी होकर पानी पायो दियो गले को हार। मंडलिक राजा को गुस्सा आया, रानी की यह हिम्मत, बड़ी सभा में रनिवास की मर्यादा तोड़ी है, आज रानी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। म्यान में से तलवार बाहर निकाली, मंडलिक राजा रनिवास में पहुंचे। रनिवास में जाकर के पूछा, रानी कहाँ है? दासियां बोली, रानी जी तो यहाँ है ही नहीं, वो तो बाहर गए हैं, यहाँ तो ताले लगे हैं, अभी यहाँ कौन आया, यहाँ तो कोई नहीं था। तब मंडलिक राजा को पता लगा परमात्मा स्वयं देखो रानी बनकर नरसिंह जी को माला पहना करके गए। रानी होकर पानी पायो दियो गले को हार। मंडलिक राजा निम्यो जान नरसियो संत, भक्तन के कारण प्रभु ऐसे किए अनंत। आज मंडलिक राजा नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़े। मैंने आपको कष्ट दिया, आप मेरे अपराध को माफ करें। देखो भगवान ने भक्तों के वास्ते, भगवान ने भक्तों के लिए अनेक कार्य किए हैं। संतों ने बताया है नरसिंह जी भगवान के नाम पर 56 करोड़ की पूंजी लुटा दी। तो आज देखो भगवान नरसिंह जी के लिए 56 बार आए और 56 करोड़ का मेरा भरा। असरण शरण दया निधि दीन बंधु महाराज, सुख सारण भजिए सदा प्रभु सारे सबका। परमात्मा असरण को शरण देने वाले हैं, परमात्मा दया निधि है, दीन बंधु है, जो परमात्मा का भजन करता है भगवान भक्तों के सब कार्य करते हैं। ऐसा कौन सा भगत जठे हरि नहीं आया, मनमोहन मुस्काए पकड़ मोटा पाया। जब भक्त बुलाते हैं तो भगवान भक्तों के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। कुछ भाव हमारे संत अमृत राम जी आपको सुना रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भाव से दोनों हाथों पर उठाकर जयकारा लगाए। बोलिए सावरिया सेठ की जय, नरसी भगत की जय। आप हम सभी भक्तों की पावन गाथा सुन रहे हैं। ये बात ध्यान रहे कि भक्तों का चरित्र क्यों सुना जाता है, कारण भी तो होना चाहिए। भाई भगवान की कथाएं भी खूब है, फिर भक्तों की कथा क्यों सुने? ध्यान दीजिएगा, भगवान की कथा हमें ये बताती है कि भजन करना चाहिए। भगवान की कथा हमें ये बताती है कि भजन करना चाहिए, और भक्तों की कथा हमें ये बताती है कि भजन ऐसे करना चाहिए। भक्तों की कथा हमें तरीका देती है। ये भक्तों का पावन चरित्र। नरसिंह जी भी घर में रहकर भजन कर रहे थे। नरसिंह जी के जीवन की अलग अलग परिस्थितियाँ, तो सबके जीवन की कोई न कोई परिस्थितियाँ है, पर हम लोग परिस्थितियों में भगवान को भूल जाते हैं। नरसिंह जी के जीवन से सीखने को मिलता है। बताओ, जेल हो गई, अभी प्रसंग सुना,
जेल हो गई फिर भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। जहां कोई भी सहारा काम नहीं आता है वहां उस दुनिया बनाने वाले का सहारा काम आता है। ये भाव पक्का करने के लिए ही ये भक्तों का चरित्र है। बार बार अभी महाराज जी ने बताया 56 बार भगवान ने नरसिंह जी को दर्शन दिए। तो अगर नरसिंह जी भगवान को बुलाते ही नहीं, अगर नरसिंह जी भगवान को पुकारते ही नहीं तो भगवान थोड़ी ना आते। भगवान आए ये ठीक बात है, लेकिन नरसिंह जी ने सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही बुलाया ये विशेष बात है। हम लोगों के लिए भी भगवान आने के लिए तैयार है, पर अगर हम केवल भगवान को बुलाएं तो हमें भरोसा ही नहीं होता है। भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, काम होगा कि नहीं होगा, कुछ मैं भी कर लूं, कुछ सोचूं तो सही, कुछ करूं तो सही, हमें भरोसा नहीं होता। रामचरितमानस की एक पंक्ति है, एक वाणी करुणा निदान की, एक वाणी करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान को भी वो भक्त सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं जिनकी दौड़ केवल और केवल भगवान तक हो, भगवान तक हो। भक्तों के बुलाने पर भगवान आते हैं, नरसिंह जी के बुलाने पर भगवान बार बार आए हैं, 56 बार आए हैं, और केवल नरसिंह जी के लिए नहीं, न जाने कितने कितने लाखों लाखों भक्तों के लिए भगवान दौड़ते हुए आए हैं, आते ही रहते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं भगवान आते कि नहीं आते, पर सच तो यह है कि भगवान इंतजार करते हैं कि भगत मुझे बुलाते कि नहीं बुलाते। अब बुलाए तो भगवान जरूर कृपा करते हैं, जरूर जरूर कृपा करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। नरसिंह जी की बेटी जिसका नाम है नानी बाई, नानी बाई का नगर अंजार श्रीरंग जी के घर में विवाह हुआ। उस नानी बाई की बेटी का विवाह नरसिंह जी के दोहिती का विवाह। श्रीरंग जी ने देखो विवाह में खूब खुशी मनाई है, पूरे परिवार को निमंत्रण दिया, अपनी बिरादरी को, कुटुंब को। माघ का महीना है, कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि सोमवार, कुमकुम पत्रिका लिखवाई, भाई बहन सब इकट्ठे हुए, जजम बिछा करके बैठ गए। सबसे पहले गणेश जी की पत्रिका, फिर जूनागढ़ की पत्रिका, क्यों मायरा जूनागढ़ से आएगा, फिर जात वालों की, फिर जान पहचान वालों की। इस तरह देखो पत्रिका लिखवाने का एक ये क्रम है। पंच लोग पत्रिका लिखवा कर सब अपने अपने घरों को गए। आगे देखो पत्रवाहक, वो यही काम करते थे, इस गांव की चिट्ठी उस गांव ले जाना, उस गांव की चिट्ठी यहां ला करके देना। अलग अलग पत्रवाहक जिनको बुला करके अलग अलग नाम ले ले करके उनकी पत्रिका दी, उनको बोलना आपको तो आना ही है। नरसिंह जी की पत्रिका एक बूढ़े ब्राह्मण जिनका नाम है कोकलिया जी, वो पत्रिका कोकलिया जी को दी। कोकलिया जी को कहा आप जल्दी जाना और हमारे समधी जी को लेकर साथ में ही आना। अब वो बूढ़े ब्राह्मण कोकलिया जी नानी बाई से मिलने के लिए गए। नानी बाई का यदि कोई समाचार है तो नरसिंह जी को दे दूंगा। कुमकुम पत्र हाथ में लियो, नानी बाई से मिलवा गए। कोकिले ने जाकर के कहा जूनागढ़ जाऊंगा तो सही। इधर परिवार वालों ने विचार किया यदि वो नरसिंह यहां आ गया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। वो नरसिंह
सूरदासों की मंडली लेकर आएगा, संग बजाता हुआ आएगा, सब परिवार वाले हम लोगों की हंसी करेंगे। कोई ऐसा काम करो, नरसी यहां आई तो बूढ़ी डोकरी मां वो सलाह देती है, अपने छोटे बेटे नारायण को बुला करके कहा, एक चिट्ठी में ऐसी ऐसी वस्तुएं लिख दो जो नरसी जी को मिलेगी भी नहीं और नरसी यहां आएगा भी नहीं। ये बात सबको जच गई। अब देखो, सासू ननंद देरानी जेठानी सब वहां इकट्ठी हुई है। सासू ननंद अरु देरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के हरे। सासू ननंद अरु देरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के हरे। बात कलम कागद मंगवाए लेखक लियो बुलाए के हरी। सवा पचीस मण लिखो सुपारी सवा पचीस मण रोरी जी। सवा पचीस मण लिखो सुपारी सवा पचीस मण रोरी। सवा पचीस मण लिखो कले वो और मेवारी बोरी। सवा पचीस मण लिखो कले वो और मेवारी बोरी हरी। हजार थान में मुंदी लिख दो साल दुसाला कापड़ा। हजार थान में मुंदी लिख दो साल दुसाला कापड़ा। ठठा कर नरसीरा ब्याही बखतावर छे बापड़ा हरी। अस्सी हजार तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। अस्सी हजार तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। कागद में दोई भाटा लिख दो यूठ बोली हरे। कागद में दोई भाटा लिख दो यूठ बोली डोकरी हरी। भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी। भगत बचल प्रभु सारे सब काज। नानी बाईरे माहेरारी ठाकुर जी ने लाज। सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि हरि। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सासू ननंद देरानी जेठानी सब देखो इकट्ठी हुई है। आगे देखो, पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे। हजारों लोगों में एक व्यक्ति पढ़ा लिखा मिलता था। जो पढ़ा लिखा होता था वो कान में ऐसे कलम रगा करके रखता था, पता लग जाता था ये पढ़े लिखे आदमी है। एक पढ़े लिखे आदमी को बुलाया और उसको कहा, भाई हम जो बात बोलें आप वो कागज में लिख दो। वो भाई लेखक बोला, बोलो क्या लिखूं? तो सबने कहा सवा पच्चीस मण लिखो सुपारी। भाई बोला, ब्यावर में दुकान लगाने का विचार किया है क्या? अरे आप पूछो मत, हम जो बात बोलते हैं वो लिख दो। सवा पच्चीस मण रोरी। भाई बोला, इतना कुमकुम, इतने कुमकुम से क्या करोगे? बोला ना, आप तो लिख दो सवा पच्चीस मण लिखो कले वो ब्रेकफास्ट। सब आश्चर्य करने लगे, अरे भाई साहब देखते क्या हो, लिख दो, लिखो मेवों की बोरी। भाई पूछने लगा, खाली लिखूं भरी हुई लिखूं? भरी हुई लिखो। आगे कपड़ों में सबसे ज्यादा महंगा कपड़ा महमूदी कपड़ा आता था, हजार थान लिख दो साल दुशाला कपड़े लिखो। आदमी जब गरीब है
तो देखो ये दुनिया के लोग इस प्रकार उसकी हंसी करते हैं। ठट्टा करे नरसी राब्याई बक्तावर छे बापड़ा। आदमी जब निर्धन होता है, दुनिया के लोग निर्धन व्यक्ति की ऐसी इज्जत करते हैं, पैसे बिना बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसे बिना भाई कहे मुकुंद दुखदाई है, पैसे बिना काका कहे कौन को भतीजो लागे, और पैसे बिना सासू कहे कौन को जवाई है। पैसे बिना पंचन में बैठवे को ठोर नहीं, पैसे बिना आई घर रोई रोटी खाई है। कवि काशी राम कहे सुनोरे सयाने जनो, अरे आज के जमाने माई पैसे की बड़ाई है, आज के जमाने माई पैसे की बड़ाई है। आदमी के पास यदि पैसे नहीं है तो पिताजी बोलते हैं किसका बेटा, ये तो कपूत है। यदि पैसे नहीं है तो भाई कहता है ये मुझे हमेशा परेशान करता है, और पैसे नहीं है तो काका जी क्या बोलते, मेरे भतीज लगते ही नहीं। पैसे नहीं है तो पंचों में बैठने के लिए जगह कहां, और पैसे नहीं है तो सास बोलती है किसका जमाई, मैंने तो लोगों के कहने से अपनी बेटी दी है। और पैसे नहीं है तो जिसके साथ विवाह किया वो स्त्री भी क्या बोलती है, तुम्हारे पीछे आकर के मैंने क्या खाया। कवि काशीराम कहे सुनोरे सयाने जनो, आज के जमाने माई पैसे की बड़ाई है, आज के जमाने माई पैसे की बड़ाई है। आज नरसी जी निर्धन है, तब देखो ये सब परिवार वाले ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं। लिखने वाले को कहा भैया लिख 80,000 मोरे लिख दो। अब बताओ सराफा बाजार में क्या रख करके आए हैं, लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ा, कोई बैंक तोड़ करके लाएंगे तो पता नहीं। डोकरी माँ बोली दो सोने की शिला लिख दो, आगे सर्दी आएगी गर्म पानी करके अपने पैरों की एड़ियां धोने मेरे काम आएगी, सोने की दो शिला। नानी भाई कहने लगी आप इतनी चीजें क्यों लिखवा रहे हो। कोकलिया जी आप हमारे पिताजी को बोलना, मेरी सास को या मायरा चाहिए, यदि मायरा जुड़े तो आप लेकर के जरूर आना, नहीं तो आपकी यहाँ हंसी होगी। आगे आपने कई कार्य किए हैं, कई काम किए हैं, दो दो तीन तीन चार चार वेश दिए, आज मायरे का समय है, आओ तो पूरी खर्ची लेकर के आना। सूरज से बारात आएगी, विवाह से पहले जो भोजन दिया जाता है वो भोजन दिया जाएगा, आप मायरा भरोगे तो बात आपका ही लेंगे। जैसा नेग होता है, जैसी चुंदड़ी ओढ़नी होती है, जैसा घोड़ी का नेग है, ये सब तो आपको देना ही है। घर को बामण कोक लियो श्रीरंग लियो बुलाए, पहली दीनी पत्रिका यो कागद ले जा। कोकलिया महाराज को बुला करके श्रीरंग जी ने कहा कि पहले आपको पत्रिका दी, ये चिट्ठी भी आप साथ में लेकर के जाओ। घर को भी रामण लियो छे बुलाए जी, घर को भी रामण लियो छे बुलाए, कुकु पत्री ले पांडे जूनागढ़ जाए। मारा तो सगन जो श्री राम राम के जो जी, मारा तो सगन जो श्री राम राम के जो, तेरा तो लगाई मैं था नरसी कर रही जो हरी, हर डेरा तो लगाई मैं था नरसी घर रह जो हरी। तो लेर बामन विदा जो भयो, दिन दिन तो डो करियो बैठ बाजारा नयो हरी, जिन दिन तो
तो डोकरियो बैठ बाजार रयो हरी। दूजे दिन तो चालियो जोशी कर कर मन में रोस जी। दूजे दिन तो चालियो जोशी कर कर मन में रोस। पाका ताई पाक्यो जिन रो किन में दीजे दो हरी। बाका ताई पोचो जिन रो किन ने दीजे दो शरी। भूड़ लो भी रामण था क्यों सूतो खूटी तान जी। भूड़ लो भी रामण था क्यों सूतो खूटी तान। का ससो आयो है श्री ठाकुर को भी मान हरी। अरे आकाश ससो आयो है श्री ठाकुर को भी मान हरी। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार। पे पहुंचायो जो नागढ़ के बाजार हरी। चिन्ह में पहुंचायो जो नागढ़ के बाजार हरी। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। ओ भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। ओ सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि। बोलो भक्तों उनके भगवान की जय। कोकिलिया ब्राह्मण को बुला करके चिट्ठी दे दी और कहा आप सगा जी को जाकर के राम राम बोलना और किसी जगह आप मत रुकना, सगा जी के वहीं आपको रुकना है। ब्राह्मण को खर्ची दी और ब्राह्मण देवता को विदा किया। अब वो बूढ़े ब्राह्मण धीरे धीरे निकले, बीच शहर में पहुंचे और रात पड़ गई। पूरी रात वो कोकिलिया जी एक दुकान के आगे बैठे बैठे उन्होंने रात निकाली। एक ही चिंता है, जूनागढ़ पहुंचना है। सुबह जल्दी कमर में दुपट्टा बांधा और लाठी लेकर निकल पड़े। गांव से बाहर बगीचे तक पहुंचे और शाम पड़ गई। कोकिलिया जी वहीं थके हुए सो गए। भगवान ने विचार किया ये नरसी जी कब मायरा में जाएंगे, ये ब्राह्मण देवता कब पहुंचेंगे और कब नरसी जी मायरा जाएंगे। भगवान ने ऐसी कृपा की नींद में ही कोकिलिया जी को विमान में बैठा करके जूनागढ़ के बाजार में ले जाकर सुला दिया। सुबह हुई और कोकिलिया जी जगे, देखा ये कौन सा गांव है। एक भाई साहब को पूछा भाई जी ये गांव कौन सा है। भाई बोला जूनागढ़ छे, अपने यहां बोलते हैं और गुजरात में बोलते हैं छे, छे जी छे। कोकिलिया जी विचार करने लगे मैं जूनागढ़ आ गया, इतना जल्दी कैसे आया। अब कोकिलिया जी को पूछो आपको क्या परेशानी हुई, रातों रात एरोप्लेन से पधारे हो। भाई लोगों आप कृपा करो मुझे नरसी जी का घर बताओ। एक भाई बोला पूर्व दिशा की तरफ जिस घर का दरवाजा है, घर के आगे बड़े बड़े तिलक बने हुए हैं, वो घर नरसी जी का है। ज्यों ही कोकिलिया जी नरसी जी के घर के दरवाजे में घुसे और कोकिलिया जी के पैरों की आवाज आई, वो नरसी जी के पास 16 सूरदास रहते थे, ज्ञानदास जी, मानदास जी, हनुमान दास जी, कसी राम जी, मोजी राम जी। जैसे ही उन्होंने वो पैरों की आवाज सुनी और वो संत बैठ गए, बोले कोई भगत आज देखो निमंत्रण लेकर आया है। अब वो कोकिलिया जी जल्दी जल्दी में घर के दरवाजे के भीतर घुसे तो वो धोती अलूज गई और कोकिलिया जी वहीं नीचे गिर पड़े। जैसे ही कोकिलिया जी नीचे गिरे सूरदासों को दिखता नहीं, कहने लगे भक्त इतना अच्छा है देखो दंडवत करते हुए आ रहा है। नरसी जी ने ज्यों ही देखा कोकिलिया जी नीचे गिर गए हैं, नरसी जी ने जाकर के कोकिलिया जी को खड़ा किया
और कहा आप यहाँ दंडवत क्यों कर रहे हो। कोकलिया जी बोले कौन दंडवत कर रहा है, मेरे तो चोटें लगी है, आपको दंडवत चाहिए। मैं नगर अंजार से आया हूं, ये पत्रिका ले लो। अब भोजन इत्यादि करना है, भोजन की सामग्री। तो यहां नरसिंह जी ने कोकलिया जी को क्या कहा, देवाने लेवाने जोशी राम जी को नाम। यहां देने लेने के लिए राम जी का नाम है, तुलसी की माला है, सालग्राम जी की पूजा है। आप देखोगे सामान नहीं देंगे तो पैसे दे देंगे, यहां पैसों की बात मत करना, तुलसी दल खूब रखा हुआ है। हमारे तो रसोई का यहाँ यही रिवाज है, मोटी माला लेकर बैठ करके भजन करो। नरसिंह जी ने जैसे ही वो पत्रिका पढ़ी, नरसिंह जी मगन हो गए, देखो हमारे समधी जी ने हमको याद किया है। नरसिंह जी की स्त्री बोली घर में तो पाव जवार नहीं है, और देखो मायरा भरने के लिए आपने ये पत्रिका ली है। नरसिंह जी बोले तुझे क्या परेशानी है, मायरा भगवान भरेंगे। बोली राजा चुपकी राजा घर की तू नार, थाने मारे मायरा रो कहीं आयो बार। आप भी साथ चलो, दो चार दस दिन संतों की सेवा करना। नरसिंह जी और नरसिंह जी की स्त्री आपस में ऐसे बोल बोलने लगे, कोकलिया महाराज हक्के बक्के रह गए। सुन हाक्यो वाक्यो रेओ मन में करे विचार, श्रीरंग कीनी मस्करी मोकलियो इन द्वार। श्रीरंग जी ने कैसी मेरे साथ मजाक की, मुझे इस घर में भेजा चिल्लाटी खाकर, जोर से चिल्लाकर कोकलिया जी नीचे गिर पड़े। तब देखो नरसिंह जी ने कोकलिया जी को सहलाकर, मारवाड़ी कहे नरसिंह जी कोकलिया जी ने पंपोड़िया, कहने लगे क्या हुआ महाराज। कोकलिया जी कहने लगे मैं भूखा मर रहा हूं, कहां से कहां तक आया, आपने मुझे आटा सीधा भी नहीं दिया। नरसिंह जी ने एक तुम्बा पकड़ाया, खूब गांव बड़ा है, आटा मांग करके लेकर आओ, लून मिर्च भी मांग करके लाना, साग सब्जी भी मांग करके लाना, और गांव से जब बाहर आओ तो लकड़ी भी इकट्ठी करके लेकर के आना। नरसिंह जी को तुम्बा दे दिया, नरसिंह जी ने कोकलिया जी को तुम्बा दिया। नरसिंह जी कोकलिया जी को तो रवाना करते हैं। अब नरसिंह जी ने उस पत्रिका पर चंदन का छींटा लगाया, नरसिंह जी वो पत्रिका भगवान को देने के लिए जा रहे हैं। अब भगवान का स्थान कहाँ, याद रखना वटवृक्ष शिव जी का रूप है, आंवला ब्रह्मा का रूप है, तो पीपली विष्णु भगवान का रूप है। पंत द्वार का पीपली दरी पत्रिका जाए, नरसिंह जी पाछा फिरिया तो जदुपति लई उठाए। द्वारका के मार्ग पर एक पीपली का पेड़ है, वहां जाकर के नरसिंह जी ने वो पत्रिका रखी, और पत्रिका रख करके जो ही वापस घूमे तो पीछे से भगवान ने वो पत्रिका उठाई। नरसिंह जी महाराज करुणा कर रहे हैं, मैं ता नरसिंह ने तो कोई नहीं जाने, मैं ता नरसिंह ने तो कोई नहीं जाने, आने जाने छे मारा साई सम्राट, आने जाने छे मारा साई सकारा कागज आया छे जी सावल सा, सकारा कागज आया छे जी सावल सा। नरसिंह रे तो यति जनमी, नगर अंजार विवास सम्रा, नगर अंजार विवास सकारा कागज आया छे जी सावल सा,
सगारा का गज आया छे जी सावण सा आया छे जी सावण सा सगारा का गज आया छे जी सावण सा नागरिया कई सोच करो छो नागरिया कई सोच करो छो भगतन के सहाय सगारा का गज आया छे जी सावण सा सगारा का गज आया छे जी सावण सा भगत वचल प्रभु सारे सब का वैरे माहेरारी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि बोलो भक्त और उनके भगवान भगवान की जय नरसिंह जी महाराज करुणा कर समदी के वहां से पत्र आया है इस नरसी को तो कोई नहीं जानता आपको तो सारी त्रिलोकी जानती है नरसी के देखो द्वैती का जन्म हुआ नगर अंजार उसका विवाह है नरसी जी ने जैसे ही करुणा की पुकार की आकाशवाणी हुई अरे नागरिया आप क्यों चिंता कर रहे हो मायरा भगवान बनेंगे जैसे ही आकाशवाणी सुनी और नरसिंह जी के मन में प्रसन्नता हो गई वाणी सुन प्रसन्न भयो मन में धीरज धार नानी बाईरो माहेरो बरसी सिरजनहार आकाशवाणी सुनी जैसे ही आकाशवाणी सुनी और नरसिंह जी के मन में प्रसन्नता होगी अब तो मायरा भगवान भरेंगे अब देखो नरसिंह जी महाराज मायरे जाने की तैयारी कर रहे हैं अब कैसे उन्होंने तैयारी की आज उनको तैयारी करने दो कल के प्रसंग में नरसिंह जी के गाडोली का बड़ा सुंदर प्रसंग है लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लायो गाड़ी आए गयो नरसिंह रे ओ भात काई बरसी रे देखो तीन दिन का ये मायरे का प्रसंग है आज पहला दिवस है कल गाडोली का प्रसंग होगा और परसों भगवान 56 करोड़ का मायरा भरेंगे आप सब भाई बहनों से प्रार्थना है उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर गजानन जी के चरणों में गजानन जी के सानिध्य में आप मायरे का आनंद लाभ लें देखो भक्तों की कथा सुनते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं तो ये मायरे की कथा यानी भक्तों का चरित्र जो भगवान को प्रसन्नता देने वाला है ऐसा ये शुभ संयोग प्रभु कृपा से हम सबको मिला है तो आप लोग इसका पूरा आनंद लाभ लें अब आरती होगी सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के आरती का दर्शन लाभ लें आरती के बाद आपको यहाँ से प्रस्थान करना है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजंती माला नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन समंग कांति काली राधिका चमक रही आली आली लतन में फाड़े वन माली माली भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी कनक मय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चाहते प्रकट भई गंगा गंगा कलुष कलिहारिण श्री गंगा स्मरण ते होत मोह गंगा बसी शिवशीष जटा के बीच हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्जवल तट रेणु रेणु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव पंद तेर सुन दीन भिकारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी बोलिए सांवरिया सेठ की।